आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता पांचवी का लेसन नंबर 2 हत्तीचे चातुर्य रीड करने वाले हैं। हत्तीचे चातुर्य, हत्ती की अकलमंदी, एलिफेंट्स क्लेवरनेस। तो ये एक चित्रकथा है, इसमें चित्र के जरिए स्टोरी दी गई है। इसका हम लोग स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, सुरुवातीला दिलेल्या चित्रां खालील नावे सांगा। शुरू में जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसके नीचे के नाम पढ़ो। तो ये पिक्चर्स के नीचे नाम क्या है? पहला मुले, फुटबॉल, ससे यानी रैबिट्स, खड्डा, होल, फड़ी यानी वुडन प्लैंक, हत्ती, हाथी, एलिफेंट। प्रश्न 2, प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा। ये पिक्चर्स दिए हुए नंबर के साथ इसमें क्या क्या दिख रहा है वो बताइए। पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 1 में क्या दिख रहा है? मैदानात मुले फुटबॉल खेळत आहे आणि 3 ससे त्यांना पाहत आहे। पिक्चर नंबर 2, मुले फुटबॉल खेळून गेली, आता ससे फुटबॉल खेळत आहे। पिक्चर नंबर 3, फुटबॉल खड्ड्यात पडला। पिक्चर नंबर 4, ससे फडी घेऊन फुटबॉल खड्ड्यातून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे। पिक्चर नंबर 5, हत्तीने खड्ड्यात पाणी भरले। पिक्चर से हमको ये समझ में आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन, चित्रे पहा कोणते सांगा। अ, खड्ड्यातील फुटबॉल काढण्यासाठी प्रयत्न करणारे। खड्डे में जो फुटबॉल गिर गया है उसको बाहर निकालने की कोशिश कौन कर रहा है? उसको बाहर निकालने की कोशिश ससे कर रहे हैं, रैबिट्स कर रहे हैं, वुडन प्लैंक लेके कर रहे थे ना कोशिश वो लोग। प्रश्न आ, सशान्ना मदद करणारा, रैबिट्स को मदद करने कौन आया? हत्ती, एलिफेंट आया। प्रश्न 4, गोष्टीत शेवटी काय झाले असेल ते कल्पना करून सांगा व रिकाम्या चौकटीत चित्र काढा। याने अब लास्ट में यहां क्या हुआ होगा, एक यहां ब्लैंक रखा हुआ है लास्ट का, तो इसमें क्या हुआ होगा वो पिक्चर निकालना है, चित्र काटना है। तो इसमें क्या हुआ होगा, जब हाथी ने पानी डाला तो पानी खड्डे में भर गया और फुटबॉल बाहर आ गया होगा, तो यहां वैसा हमको चित्र निकालना है। प्रश्न 5, सर्व चित्रे पहा व गोष्ट सांगा। अब ये सब पिक्चर को मिला के हमको एक स्टोरी बनानी है। तो मराठी में स्टोरी कैसे बोलेंगे? एका मैदानात मुले फुटबॉल खेळत होती आणि 3 ससे त्यांना पाहत होते। मुले फुटबॉल खेळून गेली पण फुटबॉल मैदानात विसरली। ससांनी त्या फुटबॉल घेऊन खेळायला सुरुवात केली। खेळता खेळता तो फुटबॉल एक खड्ड्यात पडला। ससे फडी घेऊन फुटबॉल काढण्याचा प्रयत्न करत आहे। ससांनी फडी घेऊन फुटबॉल काढण्याचा प्रयत्न केला। एक हत्ती तिथून जात होता, त्याने आपल्या सोंडात पाणी भरून तो पाणी त्या खड्ड्यात ओतला। पाणी भरल्यामुळे तो फुटबॉल बाहेर आला। ससे खूप आनंदित झाले आणि त्यांनी परत खेळ सुरू केला।
ये हो गई स्टोरी। प्रश्न सहा, घ ठ थ प या अक्षरांपासून चित्रे तयार केली आहेत, त्यांचे निरीक्षण करा। या सारख्या इतर अक्षरांपासून तुम्हाला ही वेगळी चित्रे काढता येतील, कल्पना करा आणि चित्रे काढा। मतलब ये चार अक्षर है, इससे ये लोग ने चित्र बनाए है। घ से एक बिल्ली बनाया है और ठ से संतरा बनाया है, थ से एक पक्षी बनाया है और प से आदमी का मुंह बनाया है। तो ऐसे ही और अक्षरों से भी हमको चित्र बनाने की कोशिश करने कहा है, तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। शब्द ओळखा व कार्डेवर लिहा। अब ये शब्द ओळखना है, पहचानना है। बीच का वर्ड कॉमन है, जैसे इसमें ग कॉमन है, ऊपर से वर्टिकल पढ़ेंगे और यहां से हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे तो भी ग बीच में आएगा, तो दो शब्द क्या बनेंगे इसमें, ऊपर से पढ़ेंगे तो वेगड़ा और साइड से पढ़ेंगे तो बगड़ा। ऐसे ही शब्द बनाने हैं और यहां लिखना है। ये बनेगा मगर तगर, सामान कमान, आकाश प्रकाश, मांजर गाजर, कड़क भड़क, वाटाना फुटाना, फाटके तुटके। तो ये लेसन खत्म हुआ। इसमें सिर्फ रीडिंग करना था और पिक्चर देख के स्टोरी बोलना था।